हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर जुगल चहर आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं मैं टॉन्सिल्स, जिससे नॉर्मली बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं और बड़े भी इससे कुछ ग्रसित हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों में ज़्यादा होते हैं। टॉन्सिल्स टॉन्सिल जब हो जाते हैं तो यहाँ पर के जो स्वेलिंग आ जाती है, टॉन्सिल ग्लैंड्स होती हैं हमारे यहाँ पर, स्वेलिंग की वजह से इवन पानी पीना भी बहुत मुश्किल होता है और बहुत ही पेनफुल होता है। ये बेसिकली होता है जो टॉन्सिल्स हमारे ग्लैंड्स हैं, टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन जो होती है, इन्फ्लेमेशन बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है और वायरस की वजह से भी हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है इनमें या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तब हमारा जो शोर थ्रोट हो जाएगा, थोड़ा सा पेनफुल रहेगा गला, टॉन्सिल में स्वेलिंग भी आ जाएगी और जो कुछ भी हम खाते हैं उसको स्वेलो करने में, उसको निगलने में बहुत डिफिकल्टी होती है। और यहाँ पर टच करने से यहाँ पर या अंदर हमारे जो नोड्स हैं, जो लिम्फ की नोड्स होती हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव हो जाती हैं और साथ में कफ भी आ जाने लगे, कफिंग भी हो जाए, कफ होने लगता है, खांसी आने लगती है। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसका मेन होता है कि हमें बोलने में दिक्कत आने लगेगी, साथ ही नोजिया और वोमिटिंग भी आ सकती है अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। स्टमक में पेन हो सकता है लेकिन कफ नहीं होगा उस कंडीशन में। फीवर भी आ सकता है और नाक से पानी भी बहने लगता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण है। हमारा इसे इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। और अगर हम टॉन्सिल मुंह खोल के अगर देखें दोनों साइड में, बैक साइड में, तो वहां पर हमें वाइट स्पॉट्स नजर आ सकते हैं। इसके लिए हमें जरूरी है कि थोड़ा रेस्ट लिया जाए, वार्म ड्रिंक्स लेने चाहिए, यानी कि लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स नहीं। कोल्ड ड्रिंक्स, स्पाइसी फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स या फास्ट फूड्स, ये बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए हमें। हार्ड जो खाने की हार्ड चीज़ें हैं, जैसे चिप्स हुए, पोटैटो चिप्स के हुए, या कोई दूसरे जैसे ड्राई सीरियल्स आते हैं, ड्राई फ्रूट्स आते हैं, टोस्ट वगैरह होता है जो जो हार्ड है, कैरेट्स वगैरह, उस समय हमें ये नहीं खाने चाहिए। और पानी में नमक डाल के गार्गलिंग जरूर करना चाहिए इसमें, हमें लूक वार्म वाटर के साथ। नॉर्मली जब ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो डॉक्टर सीधा इसका ऑपरेशन बताते हैं, और ऑपरेशन में फिर अमाउंट की तो कोई लिमिट नहीं आज की तारीख में कि कितना अमाउंट लिया जाएगा, लेकिन सुजोग थेरेपी में इसको ठीक करने का बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीका है और बहुत ही कारगर तरीका है। हमने एक नहीं हजारों की संख्या में ये आजमाया हुआ है और इसके 100% रिजल्ट आते हैं। अगर हम जो टॉन्सिल्स की बात करते हैं, हमारे यहाँ टॉन्सिल होता है, अगर हाथ में बात करें तो जो हमारा ये जोड़ होता है, जोड़ के दोनों तरफ यहाँ पर और यहाँ पर, ये हमारा टॉन्सिल्स का एरिया होता है अंगूठे के दोनों तरफ, दोनों साइड में यहाँ पर, और यही हमारा इलाज है। ब्लैक कलर, अगर हम ब्लैक कलर लगाने से पहले अगर चाहे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको कोल्ड कंप्रेस भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा ठंडा पानी का भी यहाँ पर लगा सकते हैं, या बर्फ से इसको सेक कर सकते हैं पहले, उसके बाद अगर हम ये ब्लैक कलर लगा के शाम को अगर हम लगा देते हैं, अगर शाम को बच्चा पानी भी नहीं पी रहा है तो सुबह आराम से नाश्ता करेगा वो, उसके टॉन्सिल्स की जो स्वेलिंग है बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये हमने एक नहीं अनेकों बार, हजारों बार इसको प्रैक्टिस में लाए हैं, और इसको अगर आप प्रैक्टिस में लाते हैं तो आपको कोई और दवाई लेने की जरूरत नहीं, बच्चे को बिल्कुल कंफर्टेबल कर सकते हैं, बच्चा हो या बड़ा हो, दोनों के लिए ही ये बहुत ही कारगर उपाय है। सिर्फ इस यही करने से, सिर्फ दो डॉट कलर के लगाने से ही हम अपने टॉन्सिल्स को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। थोड़ी सी अगर स्वेलिंग होती है तो इसको किया जा सकता है। तो आई होप ये सबको यूजफुल रहेगा। और इसके साथ ही नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, मुंह में छाले जो हो जाते हैं उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को बताएं, दोस्तों को बताएं, और नेक्स्ट वीडियो तक धन्यवाद।